हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन नेचुरल गार्डन। आज मैरीगोल्ड की सीडलिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर में मैरीगोल्ड को उगाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए बना सकूँ। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और सीडलिंग के लिए मैरीगोल्ड के आपको सूखे हुए फ्लावर चाहिए, जी हाँ दोस्तों, या फिर अगर आपके पास सूखे हुए फ्लावर नहीं है तो आप बाज़ार से भी मैरीगोल्ड के सीड्स खरीद सकते हैं, और ये 20 या 30 रुपीज़ के पैकेट मिल जाएंगे आपको। और ये सूखी हुई माला है, जी हाँ दोस्तों, आप अगर मंदिर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो ये मालाएं मिल जाती है, और आप वहाँ से ले सकते हो और घर में मैरीगोल्ड को सीड से लगा सकते हैं। और मेरे पास 2-3 तरह के मैरीगोल्ड है, और आपको इसके सूखे हुए कर आपको देखा, आप इसकी साउंड आ रही है, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ड्राई हैं, और अब ये सीड से लगने के लिए तैयार है। और आप भी ऐसे ही मैरीगोल्ड को सीड से ग्रो कर सकते हैं, और ये एकदम फ्रेश फ्लावर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पुराने फ्लावर नहीं चाहिए, ये वाइट होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इन सीड्स में फ़र्क देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पैकेट के फ्लावर हैं और ये माला के फ्लावर है जो अभी फ्रेश है, और आप देख सकते हैं कि ये वाइट हो रहे हैं और ये ब्लैक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पैकेट पुराने होने की वजह से ब्लैक हो गए हैं, और अब इनके चांसेस ग्रो होने के बहुत कम हैं। इनके अकॉर्डिंग ये एकदम वाइट है, और इसमें से जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी। तो अब हम इसको सीड से ग्रो कर लेते हैं। तो अब हम इसके लिए सॉइल तैयार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने सारे फ्लावर्स को हटा लिए हैं और सीड कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके लिए हम पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं, और मैंने इसके लिए ओनली गार्डन सॉइल ली है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सीड्स गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर लेगा, और इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला रखा है जिससे सॉइल थोड़ी मॉइस्ट रहे और सीड जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। अब इसको पूरा फिल कर लेते हैं पॉट को सॉइल से, मैं पूरा फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने पॉट को पूरा सॉइल से कवर कर लिया है, अब सीड इसमें लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें दोनों फ्लावर मिक्स है। जी हाँ दोस्तों, एक रेड कलर और ऑरेंज कलर के 2-3 सीड्स मिक्स है, और सीड्स को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब सीड्स को सोइल से ज्यादा कवर नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इस पे मिट्टी को कवर कर लेंगे, 1-1 इंच, थोड़ा सा, 1-1 इंच भी नहीं, 1-1 इंच ही हो गया। और मैरीगोल्ड की सीडलिंग बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाती है, और आप इसको घर में ही ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बस आपको सीडलिंग के वक्त बहुत ज़्यादा पानी का ख्याल रखना है। ज़्यादा सो आपको इसको फर्स्ट टाइम अच्छे से वाटरिंग करनी है, और उसके बाद आपको सॉइल को मॉइस्ट रखना है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, तभी आपका सीडलिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी, सभी सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। और आपको इसको सुबह की धूप में रखना है ताकि सीडलिंग अच्छे से हो जाए, और हीट मिलने की वजह से सीड जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। अब इसमें वाटरिंग कर लेंगे, शावर कर लेंगे, और आपको इसमें वाटरिंग करने के लिए शावर का ही यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर आपके पास शावर नहीं है तो आप बोतल से भी, बोतल का शावर बना के भी यूज़ में ले सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट वाटर नहीं डालना है, नहीं तो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, और ये ज़्यादा दबने की वजह से भी सीड खराब हो जाएंगे। तो आपको शावर से इनको पानी देना है, और बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम अच्छे से वाटरिंग करनी है, और अब इसको आपको सुबह की धूप
देनी है ताकि सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाए। और अब ये 7 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, अब 7 दिन बाद मिलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैंने 3 सीड्स लगाए थे डिस्पोजल में और इसमें से एक ही सीड जर्मिनेट हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे 15 दिन पहले की सीडलिंग है, आप देख रहे हैं ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो चुका है और अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसने अच्छे से अपनी रूट्स निकाल दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।